हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द 2018 पेपर वन सेक्शन ए। और अब हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमने 2019 का पेपर कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जॉन स्टुअर्ट मिल इज एन रिलक्टेंट डेमोक्रेट, सीएल पेपर ने बोला है। तो सबसे पहले अब हमें याद रखना है जॉन स्टुअर्ट मिल। अब हमें ये इनका याद नहीं है कि स्टेटमेंट दिया है इनने, लेकिन जो इसका एसेंस है जॉन स्टुअर्ट मिल का, कि ये किस टाइप की सोच रखते थे, वो हमें एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, तो हम कोई भी आंसर अटेंड कर सकते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं, जेएस मिल इज रिगार्डेड एज ग्रेट लिबरल बट हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स द डेमोक्रेसी रिमेन अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन। वो लिबरल तो थे, लेकिन उनका एटीट्यूड जो डेमोक्रेसी के प्रति था वो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन ही देता है। द कंसिडरेशन ऑन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मिल इज सीन एज अ क्लियर एडवोकेट ऑफ डेमोक्रेसी। जब कंसिडरेशन ऑन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दे रहे थे, तो हमें समझ में आया कि मिल ने क्लियरली एडवोकेट किया है डेमोक्रेसी को। हाउएवर ही कन्फाइंस इट्स स्कोप टू द वेस्टर्न लिबरल सोसाइटीज। लेकिन वो अपना स्कोप लिमिटेड करते हैं वेस्टर्न लिबरल सोसाइटीज तक ही। एज डेमोक्रेसी वॉज नॉट अ गिफ्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटेड, एज डेमोक्रेसी इज नॉट अ गिफ्ट विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर। ऐसा मानते हैं कि डेमोक्रेसी गिफ्ट नहीं है जो कि हर जगह बांट दिया जाए। ही सो एशियन सोसाइटीज लाइक इंडिया एज अ बार्बरिक एंड फिट फॉर द बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म। वो इंडिया को इधर पे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए बोल रहे हैं कि बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म के लिए फिट बैठेगा। इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्वीस वे डेमोक्रेसी इन अमेरिका, मिल डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द फॉल्स एंड ट्रू डेमोक्रेसी। तो मिल डिस्टिंग्विश करता है फॉल्स डेमोक्रेसी में और ट्रू डेमोक्रेसी में। ही फियर्ड द डिस्टॉर्शन ऑफ डेमोक्रेसी ड्यू टू पॉपुलिज्म रिजल्टिंग इन टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। ही प्रिस्क्राइब्ड एजुकेटेड एंड प्रोपरेट मैन टू हैव प्लूरल वोट्स। फिर इन्होंने क्या बोला कि जो डेमोक्रेसी है वो टायरनी मेजोरिटी की होने से डाइल्यूट हो जाती है। फिर उन्होंने प्रिस्क्राइब किया एजुकेशन एंड प्रोपरेट मैन टू हैव अ प्लूरल वोट्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सेकेंड चैम्बर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मीडियोक्रेसी, मीडियोक्रेसी की एंट्री प्रिवेंट करने के लिए। द डेविड हेड पॉइंट्स आउट मिल फेलियर ऑफ ब्रिंगिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। मिल फेल्ड टू रियलाइज दैट इक्वल पार्टिसिपेशन थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस कुड हैव रीडायरेक्टेड स्टेट्स रोल इन द डेवलपमेंट एंड एजुकेशन एंड इग्नोरेंट होम ही फियर्ड इन द फर्स्ट प्लेस। In this contest, C. Walpole holds the mill as a democrat, albeit reluctantly. However, mill advocated the state provision in education, realized the potential of ordinary people. इसके key terms है benevolent despotism, tyranny of majority, proportional representation, plural votes, and the second chamber. J.S. Mill, David Held, कोटोस फिले एंड सी एल वैपिया। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, तो इससे रिलेटेड एंड ऑफ आइडियोलॉजी की वो आई थी 2019 में, और ये डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 18 में आई। पॉलिटिकल थ्योरी रिफर्स टू द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना। तो ये क्या है पॉलिटिकल थ्योरी? सिस्टमैटिक नॉलेज है पॉलिटिकल फिनोमेना का। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी वॉज क्वेश्चन्ड फॉर इट्स रेलेवेंस एंड मिड 20th सेंचुरी डेविड ईस्टन पॉइंटेड आउट द पॉलिटिकल थ्योरी लिव्ड पैरिस्टिकली ऑन कंट्री ओल्ड आइडियाज एंड फेल्ड टू अकाउंट फॉर इट्स राइजिंग फासिस्ट एंड कम्युनिस्ट फोर्सेज। एल्फ्रेड कॉबन इन हिज Decline of political theory argued political theory had lost significance in both capitalist and communist system. E.
Eastern assured the behavioral revolution, calling to make a political science a scientific or a value free. जिसको बोलते हैं scientific और value free political science को, while adaptation of the scientific principles did bring new insights. लेकिन जब हमने adopt किया scientific principles तो new insights हुई, yet discipline ignored larger value based on question about political life. लेकिन अभी भी ये जो political life की values थी वो ignore की जा रही थी. Backed by the Leo Strauss or Germino or Easton, the post behavioral revolution sought to be incorporate the brute realities of political life. Germino argue करता है कि scholarly neutrality was indispensable. जो scholarly neutrality है वो indispensable है for the profession and not ethical neutrally. इसलिए in later 20th century some of the revival political theory occurred in the theories of Rawls, Nozick, Oxford, Hannah Arendt and others. अब इसके ये सारे keywords और key thinkers हैं, pause करके revise कर लीजिए. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, पहले हमें जस्टिस का थोड़ा सा फॉर्मूला लिखना है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे. तो जस्टिस इज द एलोकेशन ऑफ सोशल एडवांटेजेस अमंग द वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटीज. तो जस्टिस क्या है? जो सोशल एडवांटेजेस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली और जिसको जरूरत में है उसके पास पहुंचना, ये सारी चीजें जस्टिस में आएंगी अमंग वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ट्रेडिशनली लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस हैज बीन प्रोसीजरल ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटलिज्म. तो जो प्रोसीजरल है, तो ये जस्टिस हैज बीन प्रोसीजरल ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटलिज्म. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज इन द मॉडर्न कनोटेशन इज सब्सटेंटिव एंड करेस्पोंडेंस टू द फिलोसफी ऑफ सोशलिज्म. अब ये बोल रहे हैं कि जो मॉडर्न कैनोटेशन में सब्सटेंसिव जस्टिस है, इट इज करेस्पोंडेंट टू द फिलॉसफी ऑफ सोशलिज्म. सिंपल इधर पे ये है कि जो लिबरल कॉन्सेप्ट था जस्टिस का, वो प्रोसीजरल में कैपिटलिज्म से इन्फ्लुएंस हुआ था, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो सोशलिज्म से इन्फ्लुएंस हो रहा है. फिर डेविड मिलर इन अ सोशल जस्टिस, 1976 में उन्होंने एक बुक लिखी थी सोशल जस्टिस, Identify three criteria of distributive justice. तो इसमें उन्होंने तीन क्राइटेरिया ढूंढे थे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के, एंड द प्रोटेक्शन ऑफ acknowledged rights. Creates the hierarchical order chiefly propagated by the David Hume. तो डेविड ह्यूम ने क्या बोला कि एरिस्टोटल ने डिफाइन किया है स्लेवरी को, द डिस्ट्रीब्यूशन इज अकॉर्डिंग टू द थर्ड क्राइटेरिया अपहोल्ड मार्केट पॉलिसी एंड प्रमोट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो इसमें ये बोल रहे हैं सर्वाइवल मतलब जो एक्सेप्ट कर पाएगा, जो फिट रह के उस टाइम तक कर पाएगा तो उसको मिलेगा. ही वॉज प्रोपोगेटेड बाय द हर्बर्ट स्पेंसर. ये हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. The distribution according to the needs create the solidarity community. अब जो distribution है वो according to needs create होती है, तो solidarity community में मतलब जिसके पास need, जिसको जरूरत है उस चीज की उसको मिले, तो ये इनके अकॉर्डिंग है. फिर मिलर argues that the distributive justice requires combination of second and third principle. जो ये दोनों सेकंड और थर्ड प्रिंसिपल हैं, तो उससे मिलके बनता है जस्टिस, कॉम्बिनेशन है उन दोनों का. टू एनेबल द फंक्शनिंग ऑफ बोथ मेरिट एंड वेलफेयर, मेरिट कैन हेल्प बिल्ड एफिशिएंट इंस्टीट्यूशन एंड टैकल द स्कैर्सिटी एंड ऑफ रिसोर्सेस व्हिच व्हाइल सोशल वेलफेयर विल इंश्योर मिनिमम नीड्स फॉर ऑल. No one is sufficient to in itself as merit needs to be rewarded while redistribution of crucial prevention inequality and improvement in the society.
Nothing against the state, nothing over it. State is a modern barbarian sense a human community and claims the monopoly over the legitimate use of physical force within the given territory. तो physical force use करना given territory में. New liberal theories of the state has its origin in classical liberalism. इसका origin हुआ था classical liberalism में.
इट रिसर्फेस्ड इन, अब फिर वो वापस आ गई थी 1970s में एज अ फॉर्म ऑफ वेलफेयर स्टेट स्टैग्नेटेड टू द प्रोसीजर इकोनॉमिक्स एंड सक्सेस. अनलाइक द क्लासिकल स्कूल, मिल्टन फ्रीडमैन मेड फ्री मार्केट अ प्री कंडीशन ऑफ फ्रीडम. तो इन्होंने जो फ्री मार्केट को एक प्री कंडीशन बना दिया था फ्रीडम की. नॉजिक चैम्पियन लिबर्टी सॉट टू रिमूवल ऑल द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंडिविजुअल एंड हेल्ड रिडिस्ट्रीब्यूशन और एज इलीगल, और फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन एज इलीगल इन्होंने माना. फिर मुरे रॉथबर्ड हेल्ड टैक्सेशन एज ऑर्गेनाइज्ड रॉबरी. तो मुरे हॉडवर्ड ने बोला कि टैक्सेशन एक ऑर्गेनाइज्ड रॉबरी है. Thus the school of committed to the laissez-faire market fundamentalism, strong private property right and a minimal role to state. तो ये मतलब इसका नाइट वॉचमैन का रोल होना चाहिए. प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, फ्री एंड ओपन बॉर्डर्स होना चाहिए. फिर वॉशिंगटन कंसेंसस हुआ, उसमें प्रमाइज्ड हायर लिविंग स्टैंडर्ड को फोकस किया एंड प्रोमिस्ड, इसमें प्रॉमिस किया था कि हायर लिविंग स्टैंडर्ड को. एंड इवन एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी कुड बी सिक्योर्ड थ्रू द फ्री मार्केट एंड फ्री ट्रेड. तो उन्होंने क्या बोला कि जो एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी कुड बी सिक्योर, इसको सिक्योर किया जाता है थ्रू द फ्री मार्केट एंड फ्री ट्रेड. इन द रिसेंट टाइम द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 पुट अ ब्रेक ऑन द न्यू लिबरल व्यूज ऑफ द स्टेट एंड द वर्ल्ड बैंक. On the report point, the national and the international level, neoliberal politics led to the massive transfer of resources. तो क्या हुआ, neoliberal politics में बहुत ज्यादा transfer हुआ resources का and the power away from political, sorry, a public institution towards the private one. तो public से private की तरफ में institution का move होने लगा. Destroying the means and ability of ordinary citizen to define and protect and promote the public interest, the benefit that have accrued the private sector through the privatization, deregulation, allocation of subsidies and trade blocks. Ab fir OECD regularly cites the BEPS issues, tax avoidance and evasion by MNCs, is pe dekhta hai regularly. Inequalities globally have accentuated as per Oxfam reports. तो जो inequalities है वो हमें Oxfam report से पता चलती है कि कितनी ज्यादा है. Melvin Wallerstein, the world system theory displays such north-south divide. तो ये जो world system theory display करता है north-south divide को, even in developed world, poor countries like Greece have been engulfed in debt crisis and social welfare cuts. Ab Joseph Stiglitz calls neoliberalism a failed ideology. Ab Joseph Stiglitz jo hai wo bolte hai neoliberalism ko as a failed ideology and sketches out the progressive capitalism. It to replace even a called polony. Argued that free market are not architectonic. They did not just rise and develop their own. Their establishment requires significant use of government authorities to ensure the rules of free market. The free market needs to be the protection of state. इसको प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट की जरूरत पड़ती है एंड नीड्स द पावर टू एनफोर्समेंट, और पावर की भी जरूरत पड़ेगी एनफोर्स करने के लिए. द मिनिमलिस्ट स्टेट इज यूटोपियन एज इट एग्जिस्ट नोवेयर. और जो मिनिमलिस्ट स्टेट है वो यूटोपियन जैसा है क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता कहीं पे. स्टेट हैव अ बैलेंस्ड इकोनॉमी विथ सोशल वेलफेयर एंड अनट्रेमल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम एंडेंजर्स द सोशल फैब्रिक. अब अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द जॉन रॉल्स जस्टिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टू अचीव द गोल ऑफ जस्टिस. तो जस्टिस इज द मॉरल एंड फिलोसफिकल इंक्वायरी इन टू द एलोकेशन ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन इन द सोसाइटी. तो क्या है जस्टिस,
एक मॉरल और फिलोसफिकल एंक्वायरी है, जिससे कि हम जो एलोकेट करते हैं रिसोर्सेस को वो बेनिफिट पहुंचा पाए लोगों को और सोसाइटी का बर्डन कम कर पाए। फिर इसके बाद जस्टिस इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में दी थी, कंसिडर्ड जस्टिस एज फेयरनेस। तो इनकी थ्योरी में जो जस्टिस की डेफिनेशन है वो एज अ फेयरनेस है एंड प्योरली प्रोसीजरल इशू, और वो एक पूरा प्रोसीजरल इशू है कंसर्न्ड विथ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइमरी गुड्स सच एज राइट्स, लिबर्टीज, पावर एंड वेल्थ। फिर टू ड्राइव दोज प्रिंसिपल्स रॉल्स हाइपोथेसाइज्ड द ओरिजिनल पोजीशन एंड यूजिंग द वेल ऑफ इग्नोरेंस अराइव्स एट द थ्री प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स इंक्लूड द डिफरेंस प्रिंसिपल। द डिफरेंस प्रिंसिपल जस्टिफाई डिस्क्रिमिनेशन एंड डिपार्चर फ्रॉम द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो डिफरेंस प्रिंसिपल है उसने जस्टिफाई किया डिस्क्रिमिनेशन को और डिपार्चर फ्रॉम द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइमरी गुड्स, और इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी गुड्स का। ओनली इफ इट इज बेनिफिटेड द लीस्ट एडवांटेज द स्पेशल प्रिविलेज और द रिवॉर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी कुड बी सॉट ओनली इफ इट रिजल्टेड इन द ग्रेटेस्ट बेनिफिट और टू द लेस प्रिविलेज। अब नॉर्मन बेरी पॉइंट्स दैट रॉल्स एवोक्ड द चेन प्रिंसिपल, उन्होंने बोला कि रॉल ने वो किया है चेन प्रिंसिपल को, टू एक्सप्लेन द ह्यूमन सोसाइटी वेयर इट इज इमेजिन्ड एज अ चेन, जहाँ पे वो चेन जैसी इमेजिन होती है। इट वॉज अप एज स्ट्रेंथ ऑफ इट्स वीकेस्ट लिंक। सैमुअल गोरोविट्स हैंस असर्ट्स दैट रॉल इज क्लियरली अ रीडिस्ट्रीब्यूशनिस्ट। तो ये क्या बोलते हैं कि रॉल एकदम क्लियरली रीडिस्ट्रीब्यूशनिस्ट है, एज ही कंसिडर्स द प्रॉपर फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू नॉट जस्ट मेंटेन सोशल ऑर्डर। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ गवर्नमेंट को सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ही नहीं, लेकिन अचीव डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को अचीव करने के लिए भी कहते हैं, बाय प्लेसिंग हाइएस्ट सोशल वैल्यू ऑन द नीड्स ऑफ द पुअर। और इसमें जो हाईएस्ट सोशल वैल्यू है वो पुअर की नीड्स के लिए रखने के लिए बोला। अब कलेक्टिविस्ट हैव क्रिटिक्ड रॉल्स फॉर सपोर्टिंग ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म वेयर इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स कुड बी यूज्ड एंड एक्सक्यूज टू परमिट वास्ट सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। इन प्रेजेंट टाइम्स द लैक्स लेबर लॉज एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शंस ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट एक्सेट्रा हाइएस्ट ऑफ दिस सेंटिमेंट। फिर मार्क्सिस्ट ने बोला, मार्क्सिस्ट हैव आर्ग्यूड दैट डेलिब्रेशन बिहाइंड द वेल ऑफ इग्नोरेंस वॉज द मीनिंगलेस एज पीपल वुड नॉट बी अवेयर ऑफ प्रिवेलिंग द सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस। एग्जाम्पल जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसका। अब लिबरलिटेरियंस क्या कहते हैं कि ऑन दी अदर हैंड ब्लेम्स रॉल्स, तो ये ब्लेम करते हैं किसको, रॉल्स को, फॉर सेक्रीफाइसिंग लिबर्टी एंड फोर्सिंग द मेरिटोरियस एंड हार्ड वर्किंग टू पार्ट ऑफ देयर वेल्थ। स्कॉलर्स लाइक अमर्त्य सेन रेडिक्यूल रॉल्स फॉर इग्नोरिंग द रोल ऑफ कैपेबिलिटीज। तो इन्होंने, अमर्त्य सेन ने भी इनको क्रिटिसाइज किया क्योंकि इन्होंने कैपेबिलिटीज का रोल को इग्नोर किया है एंड अनप्रिविलेज ऑफन नीड टू बियॉन्ड द प्राइमरी गुड्स। फिर डिस्पाइट अबव रॉल हैज एनश्राइन द प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंटिव जस्टिस, लेकिन वो बोलते हैं रॉल ने एनश्राइन किया है प्रिंसिपल जो भी सब्सटेंटिव जस्टिस का है, बाय बैलेंसिंग द डिजर्ट एंड मेरिटोरियस टू द नीड्स ऑफ द पुअर ही कन्वर्ज्ड लिबरलिटेरियनिज्म एंड इगैलिटेरियनिज्म एंड कम्युनिटेरियनिज्म एंड एडवांस्ड द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल इंडिविजुअलिज्म विच प्रिवेंट्स द बेटर ऑफ फ्रॉम टेकिंग अनड्यू एडवांटेज एंड देयर क्लास पोजिशन। अब इक्वेलिटी मीन्स फेयर ट्रीटमेंट रेदर देन द इक्वल ट्रीटमेंट कमेंट। तो इक्वेलिटी का मतलब होता है फेयर ट्रीटमेंट रेदर देन इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब फेयरली ट्रीट करना है हमें, इक्वल ट्रीट करना नहीं होता।
तो इस चीज पे कमेंट करना है। ये है क्वेश्चन 2C। इसके कीवर्ड्स हैं इक्वालिटी इज जस्टिस, प्रिस्क्रिप्टिव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ फॉर डिबेट। अब की थिंकर्स हैं एरिस्टोटल, मार्क्स, डॉकिंस, माइकल वॉल्जर, अमर्त्य सेन, रॉल्स एंड आर एच तवनी त्वनी। इक्वालिटी इज अ पॉलिटिकल आइडिया हैज फिगर्ड इन द पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स। तो इन्होंने बोला कि जो पॉलिटिकल आइडिया है जिसने पॉलिटिकल डिस्कोर्स को फिगर किया है एंशियंट टाइम से ही। एरिस्टोटल हैड डिस्कवर्ड द इनइक्वालिटी फ्यूल्ड रिबेलियस टेंडेंसीज इन मासेस। ही लिंक्ड इक्वालिटी टू जस्टिस विच रिक्वायर्ड ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। इन मॉडर्न टाइम्स इक्वालिटी इज प्रिस्क्रिप्टिव। मॉडर्न टाइम में इक्वालिटी प्रिस्क्रिप्टिव है रेदर देन बीइंग डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव नहीं है, प्रिस्क्रिप्टिव है। आर एच ट्वानी इनइक्वालिटी 1938 फॉर अ सिविक लाइफ। फ्रीडम इज फॉर द पाइक ऑफ डेथ फॉर द मिनोस। उन्होंने ऐसे बोला, दस इक्वालिटी नीड्स टू बी कंप्लीटेड विद द लिबर्टी। तो इक्वालिटी को लिबर्टी के साथ कंप्लीट करना है। फिर मार्क्सिस्ट हैव पॉइंटेड आउट दैट अंडर द कैपिटलिज्म सोसाइटी हैड बीन डिस्क्रिमिनेटरी बाय डिवाइडिंग पीपल। तो उन्होंने क्या बोला कि जो मार्क्सिस्ट के अंदर में कैपिटलिज्म में जो सोसाइटी हैज बीन डिस्क्रिमिनेटरी, वो डिस्क्रिमिनेटरी है बाय डिवाइडिंग पीपल इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो उसने क्योंकि लोगों को डिवाइड कर दिया है जिसके पास है और जिसके पास नहीं है। दस दे सॉट टू नलीफाई इट बाय सीकिंग इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स। तो उन्होंने इसको इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स के द्वारा सीख किया है। ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। तो एबिलिटी के साथ साथ नीड भी। फिर हाउएवर दिस वुड रिड्यूस द इंसेंटिव फॉर द हार्ड वर्क एंड इंजेन्युइटी। लेकिन ये रिड्यूस कर देगा हार्ड वर्क और इंजेन्युइटी को भी। ऑल्सो द इक्वल ट्रीटमेंट इग्नोर्स द सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज। अगर अब हम जैसे इसमें बोला है कि इक्वली ट्रीट नहीं करना है, फेयरली करना है, लेकिन अगर हम इक्वली करते हैं। ऑल्सो द इक्वल ट्रीटमेंट इग्नोर्स द सोशल सोशियो इकोनॉमिक रियालिटीज ऑफ द पीपल इन डिसाइडिंग एलोकेशन ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन्स। हेंस इगेलिटेरियन सच एज ट्वनी सीक्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी विच वुड बी बेस्ड ऑन द फेयर ट्रीटमेंट। तो जो ट्वनी है ये एक थिंकर है, तो इन्होंने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पे बोला है और बोला है कि इट वुड बी बेस्ड ऑन फेयर ट्रीटमेंट एंड इट वुड अलाउ ईच इंडिविजुअल द फ्रीडम टू ग्रो एंड डेवलप हिमसेल्फ। तो ये हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम टू ग्रो और खुद को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी देगा। वाइल डिफ्रेंशिएटिंग द एलोकेशन ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन कीपिंग इन माइंड देयर सर्कमस्टेंसेस। दस वाइल इक्वल ट्रीटमेंट ट्रेडिशनल सीक्स established equality in the moral sense, fair treatment seeks to establish the equality in both moral and material sense. तो जो hence leading to the distributive equality. इवन आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया ऑफ फेयर ट्रीटमेंट। अब हमने ठीक है इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया कि हमें फेयर ट्रीटमेंट करना है। इगेलिटेरियन हैव डिबेटेड द फंडामेंटल मैट्रिक ऑफ ईच ट्रीटमेंट, द इक्वालिटी ऑफ वॉट इक्वालिटी सॉ रोल्स आर्गुइंग फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स जस्टिफाइंग डिपार्चर ओनली टू बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज। और इसमें ये बेनिफिट करने के लिए लीस्ट एडवांटेज का। रोनाल्ड ड्वार्केन आर्ग्यूड दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बैक्ड बाय द इंसर्जेंस मैकेनिज्म इज टू काउंटर द बैड लक। और ये सब चीजें बैड लक को काउंटर करने के लिए होती है। बोथ हैव लिमिटेड स्कोप कंपेयर्ड टू द सेंस आइडिया ऑफ इक्वलाइजिंग कैपेबिलिटीज। एग्जाम्पल अ स्कूल इज ऑल्सो गुड एज रोड्स रीचिंग टू इट।
तो स्कूल भी उतना ही अच्छा है जितना कि उसके जाने के लिए रोड्स. माइकल वेल्जर कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी टू सीक्स द प्रमोट सब्सटेंटिव इक्वालिटी. फ्रॉम अबव वी कैन सी दैट इक्वालिटी इज लिंक विद द लिबर्टी एंड जस्टिस. अब हमें ये समझ में आता है कि जो इक्वालिटी है वो लिंक्ड तो है लिबर्टी और जस्टिस से. इक्वल ट्रीटमेंट रिगार्ड्स बोथ मैरिट एंड द नीड्स एज लस्की हैज नोटेड. फेयर ट्रीटमेंट रेदर रिमेन्स द की टू सब्सटेंटिव इक्वालिटी. जो फेयर ट्रीटमेंट है वो रिमेन्स एज अ की ऑफ सब्सटेंटिव इक्वालिटी. बट इफ इक्वल्स कैन बी आइडेंटिफाइड देन दे कैन बी ट्रीटेड इक्वली. तो यही बोल रहे हैं कि अगर इक्वल्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि क्या किसको है तो वो फिर ट्रीट भी इक्वली ही होंगे. अब क्वेश्चन 3A है, वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट. हमें जो 3 जनरेशन है ह्यूमन राइट की उससे क्या समझते हैं. तो ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल एंड इनअलाइनेबल एंड इंडिविजिबल. तो ये यूनिवर्सल है, इनअलाइनेबल है, इंडिविजिबल है. टू विच एन इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड बाय द वर्च्यू ऑफ ह्यूमन. दे आर वाइड इन स्कोप एंड इट्स रिकॉग्निशन डजंट डिपेंड ऑन एक्चुअल सिटीजनशिप. ये वाइड होते हैं स्कोप में और इनका रिकॉग्निशन एक्चुअल डिपेंड नहीं करता ऑफ एनी स्टेट. रेदर देन असाइन ड्यूटी टू द स्टेट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट देम. फिर द आइडिया इज इंफ्लुएंस्ड बाय नेचुरल राइट्स. तो हमें अभी जनरेशन की बात कर रहे हैं तो आइडिया इंफ्लुएंस होता है नेचुरल राइट्स से. एंड सरफेस्ड इन द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 व्हेन व्हेन स्टेट्स लाइक जर्मनी इटली प्रोसिक्यूटेड देयर ओन सिटीजन्स. तो जिसमें जर्मनी और इटली के जो स्टेट्स हैं उन्होंने उसके बाद अपने सिटीजन्स को खुद ही प्रोसिक्यूट किया. फिर ह्यूमन राइट्स टुडे आर कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल राइट्स एंड लीगल राइट्स. तो ह्यूमन राइट्स क्या है, कॉम्बिनेशन है नेचुरल और लीगल राइट्स का. एंड इमर्ज्ड एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UNHDR इन 1948. केरल वासिक हैज क्लासिफाइड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट इन 3 जनरेशन. तो अब जो केरल वासिक है उन्होंने 3 जनरेशन में इसको क्लासिफाई किया है. तो पहली जनरेशन है इसकी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसको बोलते हैं ब्लू राइट्स. डील्स विद एसेंशियली विद द लिबर्टी एंड पार्टिसिपेशन. तो ये किसके साथ डील करता है, लिबर्टी और पार्टिसिपेशन के साथ. दे सर्व नेगेटिविटी टू दी एंड प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम एक्सेसेस एंड स्टेट्स. एग्जाम्पल राइट टू लाइफ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू और राइट ऑफ स्पीच एक्सेट्रा. ये तो पहली जनरेशन हो गई सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की. अब दूसरी जनरेशन क्या है, इनको रेड लाइट्स बोलते हैं, रेड राइट्स. तो ये है सोशियो इकोनॉमिक. पहले वाले क्या थे, पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, तो ये सारे. अब दूसरे क्या है, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, तो उनको रेड लाइट्स बोलते हैं. दे गारंटी डिफरेंट मेंबर ऑफ सिटीजन इक्वल कंडीशंस एंड ट्रीटमेंट. एग्जांपल राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क एक्सेट्रा. UNGA अडॉप्टेड द आईसर एंड 1966 द बिल ऑफ राइट्स. द थर्ड जनरेशन कहलाती है ग्रीन राइट्स की. तो ग्रीन राइट्स बियॉन्ड द सिविल एंड सोशल टू इंक्लूड 1972 स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, 1992 रियो डिक्लेरेशन, इंडिजीनियस राइट्स एक्सेट्रा रिमेन लार्जली अनऑफिशियल. ये अनऑफिशियल्स रहते हैं ग्रीन राइट्स. बट फ्रॉम द बोर्ड स्पेक्ट्रम ऑफ मॉडर्न डे राइट्स सच एज राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट एंड इंटरनेशनल इंटरजनरेशनल इक्वालिटी, ये सारी चीजें आ जाती हैं थर्ड में. तो पहले वाले थे ब्लू राइट्स, सेकेंड रेड राइट्स, थर्ड है ग्रीन राइट्स. ब्लू रेड ग्रीन, पहले वाले में पॉलिटिकल सिविल, दूसरे वाले में सोशल इकोनॉमिक, और इसमें ये सिविल या सोशल के बियॉन्ड में जो जाते हैं वो वाले राइट्स. द इम्पैक्ट ऑफ अबव, ये किसने बोला है, कार्ल वासिक ने. द इम्पैक्ट ऑफ अबव कैन बी सीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया. अब हम अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे. तो एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 में
of generation and by DPSP Article 41 etc. encompasses second generation rights and living entity status to Ganga, Yamuna rivers can be seen in the third generation. Thinkers like Morris Kanston has questioned the efficiency of second and third generations. The rightist state do not have resources and safeguard them. Importance to the third generation right at times negates the earlier generation's rights, example environment over livelihood or energy security. However, there is a need to see them interconnected rather than one excluding other. तो इनको interconnectedly देखना है हमें. अब critically examine the MacPherson's view on the democracy. तो अब हमें MacPherson's के view देखना है democracy में. Question 3b. In the words of Abraham Lincoln, democracy is the government of the people, by the people, and for the people. In short, democracy is institutionalization of freedom. B. MacPherson is an important proponent of radical democracy. तो इधर पे हमें MacPherson के views बताने हैं. तो ये जो MacPherson थे तो वो radical democracy के proponent थे. Which seeks to combine the procedure with the substantive features of the democracy. The real world of democracy in 1966, he had challenged the liberal hegemony over the democracy. तो उन्होंने challenge किया था liberal hegemony को over democracy. He argues democracy can exist anywhere, including communist. तो communist में democracy exist नहीं कर सकती और कहीं भी कर सकती है. The third world states, provided they fulfills mass aspirations and enjoy legitimacy and work to reduce sufferings of the masses. Thus, the liberal structures are not necessary to qualify as democracy. और जो liberal structures थे वो नहीं. फिर in the democratic theory 1973, the MacPherson has attacked the elitist pluralist theories for reducing democracy to an imperial and market equilibrium maintaining the system. These theories have stripped the humanist aspirations of the democracies, unlike classical liberal theories, to revive morality in the democracy. MacPherson promotes securement of creative freedom. So, jo MacPherson hai wo creative freedom by the use of developmental power, that is power 2, against the utility of maximizing extractive power in democracies in the West. The capitalist system has promoted possessive individualism and created the market society. In present times, the majoritarian and number of politics dictates political agenda across the globe, that is called the tyranny of majority. तो tyranny of majority क्या होती है, जैसे कि अब हम हमारे यहाँ देख सकते हैं कि अभी ये जैसे एक example है कि RTI में उनका जो पूरा tenure system वो parliament पे depend करता था उसके लिए, लेकिन अब उन्होंने क्या central government पे base करेगा. पहले उसके लिए कमिटी वगैरह ऐसे कुछ जो भी प्रोसीजर था, लेकिन अब वो सब कुछ डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये गलत बात है कि आरटीआई जैसे मैटर में भी सेंट्रल का डोमिनेशन, तो ये एक टाइप की टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी ही कहलाएगी. दस द MacPherson एडवोकेट्स सिक्योर डेमोक्रेसी एज एन आइडल. तो ये क्या कहते हैं, सिक्योर डेमोक्रेसी जो कि आइडियल होनी चाहिए. वेयर इन द डेवलपमेंट ऑफ पावर इज टू इशू बाय द कंबाइनिंग सोशलिस्ट वेलफेयर functions of the state is not existing liberal democracy. It would have constitutional structures. तो उसके पास constitutional structures होंगे, legal and political sphere होगा, socialist mode of production होगा, and economic sphere. The inculcation of human values, cultural spheres. Inculcate होना human values and cultural spheres में. Despite best intentions, the MacPherson's view
has been described as idealistic and Norman Berry. Idealistic or Norman Berry के according. He points out that MacPherson's view are hard to realize the scarcity of the situation, but through his views, MacPherson fulfills what ought to be function of political philosophy and justifies the human endeavor to create more relevant from the democracy and one that has been truly the people by people and for the people. तो ये सारे थे और इसमें radical democracy, creative freedom, power to democracy as an idea और इसकी scholars ने Abraham Lincoln, Norman Berry and C.B. MacPherson. अब आते हैं question 3C पे. तो इसमें explain the relationship between the power, authority and legitimacy. तो हमें पावर अथॉरिटी और लेजिटिमेसी पे पावर अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना है. तो अकॉर्डिंग टू स्टेवेंस ल्यूकास जस्ट एज मनी इट इज करेंसी इकोनॉमी. तो जस्ट एज मनी इट इज करेंसी इकोनॉमी, पावर इज द करेंसी ऑफ पॉलिटिक्स. तो पावर करेंसी है पॉलिटिक्स की. और फ्रेडरिक वॉटकिंस even goes to the extent of delineating the scope of political science to the study of power, but like other concept of politics, power, authority and legitimacy remain contested idea. Where structuralists have described the relationship between the power and legitimacy and authority as a power is authority is equals to power plus legitimacy. Macaway described power as in capacity in any relationship, command and compliance of other. तो इन्होंने क्या बोला है, एक मिनट. Macaway ने डिस्क्राइब किया है पावर एज कैपेसिटी इन एनी रिलेशनशिप टू कमांड द कंप्लायंस ऑफ अदर्स. इफ पावर हैज पावर वॉज प्योरली बेस्ड ऑन फोर्स, अगर पावर प्योरली फोर्स पे बेस्ड होगा देन द कंप्लायंस विल बी आउट ऑफ फियर एंड वुड नॉट कॉल्ड ऑटोक्रेटी अथॉरिटी. अगर वो पूरी जो कंप्लायंस है प्योरली फोर्स पे बेस्ड होगा देन द कंप्लायंस वुड बी फिर ये अथॉरिटी पे बेस्ड नहीं होगा. Will out of the authority. Power to be effective and stable must be accompanied by the capacity of secure and willing obedience. The consent when obtained makes the power exercise legitimate. Fir legitimacy is thus secured when people accept an act arrangement and benefited the society. For example, people paying taxes, use of force may be sorted only when the legitimacy fails to work or if the command is purely based on the coercion power takes the form of tyranny. Thus, we can think power as a naked sword, authority may be envisaged as sword in its scabbard. Unlike the traditionalist, Gurjwan Habermas developed the alternative to the Weberian approach to the legitimacy. Legitimacy traditionally saw consent as belief as citizen in the government rights to rule. This ignored how to the legitimation power and how consent can be manufactured. Habermas pointed to the machinery through which the legitimacy was maintained, such as democratic system, party system and social welfare reforms etc. With postmodernism like Foucault focus on the disciplinary paradigm in society rather than the command obedience. Fir which challenges the traditional simple understanding of the power, authority and legitimacy. In modern times, Hannah Arendt has critiqued the traditional usage of power and advocates the constructive view of the power.
one that acquitted through the concerted action. Similarly, C-BMAC person has propounded securement of creative freedom and creating conditions of welfare and allows exercise development power, and rather than extractive power, emergency capability approach in case of the point. Thank you. Keep supporting.